आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है वहां ऐसा लगता है जैसे उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमने समय की गति के साथ अपूर्व उपलब्धियां करते हुए गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया है। विश्व संचार एवं तकनीक ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो कभी केवल हमारी कल्पना में बसती थी। अब विश्व एक वैश्विक ग्राम बनकर रह गया है। प्रत्येक दिन हम असंभव को संभव करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं जो सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। इस पर भी हमारी विकास की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं कि मैं ये हाथ, पैर व शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर, वो मैं कौन है? वैज्ञानिक एवं डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चीजों की चुनौतियों के विषय में असमंजस में हैं। यहां तक कि निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर की अनुभूतियां, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां आदि भी तर्क संगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सबको बताने वाला एवं अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जिनमें असाधारण योग्यता अल्प आयु में ही प्राप्त होती है। क्या कभी हमने ऐसी अद्भुत घटना के विषय में सोचा है? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक हैं या पराभौतिक? परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं जिन्हें ना तो किसी माइक्रोस्कोप व दूरबीन से देखा जा सकता है और ना ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है।
वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक ना तो बना है और ना ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो, गहन शांति में स्थित होना। अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं, किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं, मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह
और जुबान का उपयोग कर बोलती हूँ। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं, और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है। इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है, इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाव वश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम
आत्मा है ना कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं।